अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आलू के पकोड़े। मैंने लिया है बेसन, यहाँ पर लिए मैंने कोतमीर और है सोडा, मीठा सोडा लिया है और है अजवाइन। ये देखिए हमने आलू के स्लाइसेस कर लिए हैं मैंने, इसको अच्छे से इसका छिलका नहीं निकाला है ऊपर का, तो ऐसे ही मैंने स्लाइस बना लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आलू के पकौड़े। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, अब उसमें डालेंगे तेल, ये देखिए मैंने एक बोल लिया है, अब इस बेसन को इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा। अब हम डालेंगे एक चम्मच सॉल्ट। अब डालेंगे अजवाइन। आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं अजवाइन। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ी ही डाली मैंने। अब इसमें डालेंगे पानी, डाल के इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं। गांठियां नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए हल्का सा तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें से एक चम्मच तेल लेंगे। ये देखिए इसमें डाल देंगे तेल को, तो हमारे पकोड़े क्रिस्पी होंगे ऐसा करने से। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम पकोड़े बना लेंगे। Thank you.
आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छे लगेंगे पकौड़े। अच्छा सा कलर आ चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे।